कंप्यूटर से फ्रेंडली बना सके। क्वेश्चन बहुत सारे मन में आते हैं पर हर क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी नहीं होता है। हाँ, अगर किसी ने पूछ दिया आप उसको आंसर कीजिए, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो फिर भी वहां पे इतना आंसर कीजिए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा से बात करनी चाहिए, आपके पास नंबर है, सब कुछ है, ईमेल आईडी दिया गया है, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? आइए कल के बाद की वीडियो को हम देखते हैं और क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू, मैं आशा करता हूँ आप सभी को कल कंप्यूटर क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ भी सीखा होगा। क्या आप सभी को कल जो पढ़ाया गया था वो याद है या नहीं? अब हम सब मिलकर कल की कोर्स में कुछ बातचीत कर लें, क्योंकि इससे आप सभी को याद भी रहेगा। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके बारे में सीखा था ना, हमने जाना था कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। आप सभी को आंसर कल पता चल गया था, आप उसको रिवीजन करा रहे हो स्टूडेंट को, उनसे पूछोगे ये क्वेश्चन, वीडियो को रोक के कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, उनका आंसर सुनेंगे, सब आंसर कर रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो को आगे प्ले करना है। अभी जब ये सेशन कंप्लीट होगा, इस क्लास की वीडियो को मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद आप एक एक करके, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे ही आप पढ़ाओगे और हम बाकी जो एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, बाकी सब लोग एज ए स्टूडेंट बैठे रहेंगे, तो जो भी चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस चीज को देखना है, वैसे ही इस वीडियो को चलाना है और क्वेश्चन पूछना है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, वीडियो हमने रोक दिया, क्वेश्चन पूछेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, आंसर सुन लिया हमने। अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट से पूछना है तो उससे पूछ लीजिए, पूरी क्लास से पूछना है पूरी क्लास से पूछ लीजिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि वीडियो चलता रहे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वीडियो रोकना है जहाँ क्वेश्चन है, आपको टाइमिंग दिया गया है मैनुअल में। अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे ना मैनुअल से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक चीज अपने कीजिए कि जहां क्वेश्चन आ रहा है वहां रोक के मुझे एक बार क्वेश्चन पूछना है। आपको लगता है कि हाँ वीडियो रोक के ना स्टूडेंट के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना है इस टॉपिक पे, तो वहां वीडियो रोक दीजिए, उसके बारे में उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, क्या चीजें हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए क्या वो कह रहे हैं, उसके बाद आगे की वीडियो को प्ले कीजिए। ठीक है, जहां भी आपको लगता है कि रुकना चाहिए वीडियो, क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर करते हैं सर, आप बताना। कंप्यूटर का उपयोग आप हर जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में, बैंक में, रेलवे स्टेशन पर, ऑफिस में, मेट्रो स्टेशन, स्कूल में और भी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे इसके बारे में हमने कल ही सीखा था कि इन जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, पहले क्लास में हमने सीखा था, ऑफिस में किस कार्य के लिए, डेटा तैयार करने के लिए। डेटा क्या होगा, डेटा जो भी टाइमिंग से रिलेटेड हो और भी जो भी वर्क हो। हॉस्पिटल में किस काम का होगा, रिसिप्ट बनाने के, मरीज का रिकॉर्ड रखना, जो भी चीजें हैं आपको लगता है ये चीज एक्सप्लेन करना है अपने स्टूडेंट को, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर होगा क्योंकि आप वहाँ पे ट्रेनर है, इस वीडियो की गैप ही है ये चीज, आपको उसको पूरा करना है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि आप इस चीज को पूरा करें, क्योंकि हम इस चीज को इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा चीज जो होगा ड्यूरेशन हम 45 मिनट लेके चल रहे हैं, हमारा पड़ जाता है, और एक कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा तो क्या होगा, उसे कुछ चीजें याद रहेंगी कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी,
क्योंकि देखिए कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैच किया जा रहा है। अगर मैं इस वीडियो को डेवलप किया गया है, हमने डेवलप किया है, जैसे हमें पता है कि हमने क्या क्या चीजें दी हैं, हमको मालूम है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम यहाँ बैठ के अचानक एक साथ पूरे 23-24 मिनट की वीडियो को देख लें और उसकी सारे याद रहे हमें? पॉसिबल तो नहीं है ना। कोई तो समझाएगा बीच में खड़ा होके, कोई तो बताएगा, इसीलिए तो आप लोग आए हो। उस चीज को आप समझाओगे तो मुझे याद रहेगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग इन इन जगहों पे कर सकते हैं। हमें याद हो गया दो तीन जगहों का नाम कि कंप्यूटर का उपयोग हम ऑफिस में करते हैं, मेट्रो स्टेशन पे करते हैं, रेलवे स्टेशन पे करते हैं। बताया गया तो 5-6 जगह पे नाम बताया गया कि 6 जगह पे यूज करते हैं, पर 3 ही याद होंगे, 6 के 6 तो याद होंगे नहीं। ये फैक्ट बात है, 6 के 6 याद नहीं होंगे, 10 में से 1 को याद हो जाएगा 6 के 6। पर उस चीज को कौन आप एक्सप्लेन कर दोगे दोबारा कि हम इन चीजों को कर सकते हैं, या पीछे कर दोगे वीडियो जो कि हम सिखाएंगे कैसे पीछे करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, ये चीज हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, आगे प्ले करो। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? अब यहाँ पे रोकना है वीडियो, वीडियो रोकेंगे। वीडियो को रोकने के लिए आप कीबोर्ड का उपयोग करेंगे। कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार की, उसको प्रेस करेंगे तो वीडियो वहीं पे रुक जाएगा। अगर दोबारा से उसे प्ले करना है तो स्पेस बार की को प्रेस कर देंगे, वीडियो आगे प्ले हो जाएगा। अगर आपको वीडियो को रोकना है तो आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लेकर आएंगे, क्लिक करेंगे माउस के द्वारा या टचपैड के द्वारा, वीडियो यहाँ रुक जाएगा। फिर दोबारा से प्ले करना है अगर आप स्पेस बार की भूल गए तब, फिर अपने माउस को यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ पे एक बार लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे माउस या टचपैड के, जिससे वीडियो फिर आगे प्ले होने लगेगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? ठीक है, आप बताओ सर, कंप्यूटर का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? सर कंप्यूटर के हम लोग जैसे डेटाबेस बनाने के यूज करते हैं, और शिक्षा के उपयोग में जैसे बच्चों को टीचिंग करने के लिए हम लोग वहाँ पर ट्रेन करने के लिए कंप्यूटर यूज करेंगे, और लाइब्रेरी के डेटा रिकॉर्ड के लिए, बुक्स को मेंटेनेंस करने के लिए हम वहाँ पर यूज करेंगे। आइए अब आंसर देखते हैं। कंप्यूटर से आप बहुत से कार्य को कर सकते हैं, जैसे कि गाना सुनना, गेम खेलना, ऑफिस का कार्य करना, और भी बहुत सारे कार्य आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, वहाँ रिवीजन कराना है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना सर? आप बताइए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? डेस्कटॉप, लैपटॉप, देन टैबलेट्स एंड देन कंप्यूटर। प्ले करो। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। जैसे कि कल हमने ये चीज देखा था कि आप लोग कह रहे थे कि नीचे नाम नहीं लिखा गया था, वो क्लास 1 था, उसमें हमने उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया था, पर हमारे क्लास 2 की वीडियो में आइडेंटिफाई है। क्योंकि जैसे हमने कहा था आपसे कि हम जैसे एक एक लर्निंग करने के बाद हम डेवलप करते गए हैं, जो हमारे क्लास 1 में मिस्टेक हुआ है उसको हमने क्लास 2 में उसको डेवलप कर दिया है, क्लास 2 में कुछ कमी रह गया वो क्लास 3 में पूरा हो गया है। यहाँ पे देखिए सामने सब कुछ आइडेंटिफाई है। अब इसमें कल के जो आपके ऑप्शन थे कि एक एक पार्ट को डिफाइन करना है, वो भी चीज आपको मिलेगा जो कि मैं आपको कल आंसर नहीं किया था। ठीक है, जैसे आप देखेंगे क्लास में आपको वो चीज सारी मिलेगी, सब कुछ इसमें होगा, बस आपको क्या करना है, आपको पूरे 11 क्लास तक की वीडियो देखना है। नोटबुक और पैनकॉप या स्मार्टफोन, माउस या टचपैड में क्या डिफरेंस होता है? आप बताओ माउस और टचपैड में क्या डिफरेंस है? माउस और टचपैड में सर वो सर माउस जो होता है वो डेस्कटॉप में यूज होता है, और जो टचपैड वो हमारा लैपटॉप में यूज होता है। माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बार। और टचपैड में?
तब बैट में दो ही होता है लेफ्ट में बैट ठीक है आगे प्ले कीजिए माउस का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में किया जाता है और टच पैड का उपयोग लैपटॉप या नोटबुक के साथ में किया जाता है माउस और टच पैड की मदद से आप अपनी कंप्यूटर को चलाते हैं कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं आप बताओ सर कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं पावर बटन से कंप्यूटर को ऑन पावर बटन से करते हैं कंप्यूटर को पावर बटन से ऑन करते हैं आइए अब सीखें कि लैपटॉप या नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है क्या आप जानते हैं कि लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन कैसे करते हैं अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है आप अपने मन से पूछ सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाने का मेथड पता चल गया है क्वेश्चन है यहाँ पे वीडियो में कह रहे हैं कि कैसे ओपन करते हैं तो आप पूछ सकते हैं ना उनसे कि क्या तरीका है नोटबुक को या लैपटॉप को ओपन करने का हमने तरीका बता दिया आपको अपने लेफ्ट हैंड के नीचे वाले पर्सन को दबा के रखना है और ऊपर से ऐसे बीच में उठाना है अगर लॉक है आपको पता है कि लॉक को कैसे खोलते हैं अगर कोई सिस्टम लॉक है तो आप उसको जाके एक्सप्लेन कर दोगे कि सिस्टम में ना लॉक है बाकी लैपटॉप में लॉक नहीं है तो उस चीज को आप गैप पूरा कर दोगे क्योंकि यहाँ पे गैप है ठीक है आइए अब सीखते हैं लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें